हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 2 नवंबर 2019 है और हम लेकर हाजिर है डेली करंट अफेयर्स जीके डॉज सेकंड। मेरे प्यारे साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो साथी पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, इसके अलावा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, किस राज्य की सरकार ने गुटखा, पान और मसाले के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? यानी कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसने गुटखा, पान और मसाले के प्रोडक्शन और सेल पर कंप्लीट बैन लगाया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो पूर्ण प्रतिबंध की बात की जाए तो पूर्ण प्रतिबंध गुजरात, सॉरी पश्चिमी बंगाल राज्य ने लगाया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। साथियों, इससे पहले अर्धपूर्ण जो प्रतिबंध था वो राजस्थान सरकार ने भी लगाया था, लेकिन यह बैन वापस से खत्म कर दिया गया। साथ ही पश्चिमी बंगाल सरकार की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है सुश्री ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल में जो प्रसिद्ध शहर है वह है कोलकाता। इसके अलावा बात की जाए तो यह जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है यह 7 नवंबर से प्रभावी होगा, यानी कि 7 नवंबर से यह प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल कौन है जिन्होंने 2 दिवसीय वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2019 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन बी बिस्वा भूषण हरिचंदन, ऑप्शन सी सत्यदेव नारायण आर्य, और ऑप्शन डी राधा कृष्ण माथुर। केरल में 2 दिवसीय वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2019 शुरू हुआ है, जिसका यह तीसरा संस्करण है, जिसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल ने किया, और केरल के वह राज्यपाल है ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान। यह जो सम्मेलन है यह कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने आयोजित द्वारा आयोजित की हुआ था, और जो इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थीम है मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता गुरुदास गुप्ता का निधन हुआ है, वह किस राजनीतिक दल से थे? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी सीपीआई, ऑप्शन डी जदयू। गुरु रामदास गुप्ता जिन्होंने जो कि 2001 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का महासचिव बने थे, जो कि एक राज्यसभा सदस्य थे और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से लोकसभा सांसद थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि वो एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो राजनीतिक दल है उससे संबंध रखते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी CPI। नेक्स्ट, विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन बी कालकी चरण गोयल, ऑप्शन सी अचल कुमार जैन, ऑप्शन डी संजीव नंदन साय। तो विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में
ऑप्शन डी संजीव नंदन साय को नियुक्त किया गया है। संजीव नंदन साह सुभाष चंद्र गर्ग का स्थान लेंगे। संजीव नंदन साह 1986 बैच के यूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और यह इससे पहले विशेष सचिव एवं अपर सचिव के रूप में भी विद्युत मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कोरिया गणराज्य, ऑप्शन डी जापान। तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक थाईलैंड के मलेशिया में शुरू हुआ है। थाईलैंड के बैंकॉक में, मलेशिया नहीं, बैंकॉक में, कुक में शुरू हुआ है। इसका जो थीम था वह थीम है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। 10 आसियान देशों की यदि बात की जाए तो 10 आसियान देश जो हैं वह है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। इन 10 आसियान देशों के अलावा इस सम्मेलन में 8 वार्ता सहयोगी राष्ट्रों के प्रमुखों ने भाग लिया। जो 8 सहयोगी राष्ट्र थे वह कौन कौन से थे? भारत, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इत्यादि भी इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, एयर कार्बन पीटी ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो एयर कार्बन पीटी ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑप्शन बी सिंगापुर में लॉन्च किया है। इसके बारे में बात की जाए तो इससे एयरलाइंस और अन्य कॉरपोरेट खरीदारों को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वीकृत कार्बन ऑफसेट क्रेडिट द्वारा समर्थित टोकन खरीदने और बेचने में सुविधा होगी। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता को हिंदी सिनेमा में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ड्रैगन पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए अर्जुन कपूर, ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, ऑप्शन सी अनुपम खेर को, ऑप्शन डी रणबीर कपूर को। और इसका राइट आंसर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को प्रतिष्ठित गोल्डन ड्रैगन पुरस्कार से नवाजा गया है। और यह अवार्ड उन्हें यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में आयोजित कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF 2019 में दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 110वां, ऑप्शन बी 108वां, ऑप्शन सी 106वां, ऑप्शन डी 104वां। तो भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर 106वें स्थान पर पहुंच गई है। ऑप्शन सी 106 इज राइट आंसर। और टॉप पर भी बात की जाए तो टॉप पर जो टीम है वह कौन सी है? बेल्जियम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का मुख्य समाचार करंट अफेयर्स जी के, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें और जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन कमेंट करें। यूवी कंपटीशन यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका PDF डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।